पहला प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर प्रयास के परिणाम स्वरूप हम अपनी गलतियों को, देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपको कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं, आप लगातार प्रयास कर रहे हो तो क्या होगा, आपकी गलतियां ज़्यादा होंगी या कम होंगी? सीधी बात है, कम होगी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए, ए इसका सही उत्तर है। एक सेकेंड वेट कर लीजिए, ये ए क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ लगातार बेसिस पर आप सीखते जाएंगे तो आपकी गलतियाँ धीरे धीरे क्या होंगी, कम होती जाएंगी। ठीक इसी प्रकार अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते जाएंगे, साथ ही साथ जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते जाएंगे, तो मतलब आप निरंतर प्रयास कर रहे हो तो फिर आपके धीरे धीरे मतलब आपका एक तो कॉन्सेप्ट अच्छा होगा और आपकी गलतियाँ कम होती जाएंगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अभी भी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं इस पर कि कर्ट लेविन के अनुसार अधिगम किसका संगठन है? किसने कहा है? कर्ट लेविन ने कहा है। क्या कहा है कि अधिगम किसका संगठन है? सक्रियता का, अनुबंधन का, परिवर्तन का, इनमें से कोई नहीं। तो कर्ट लेविन के अनुसार संगठन जो है अधिगम किसका संगठन है? तो परिवर्तन का। इसका सही उत्तर है सी। इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, जो भी हम बोलते हैं इसे इंपॉर्टेंट लगा लें, आप जरूर नोट कर लें और साथ ही साथ रिविजन करते रहिए। अब बात करते हैं शिक्षार्थियों में अभिप्रेरणा को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियां उपयुक्त हैं? अभिप्रेरणा क्या होती है? किसी भी को कोई काम करने के लिए जब हम मोटिवेट करते हैं तो उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। तो देखिए कौन सी विधि उपयुक्त है? प्रशंसा एवं निंदा, कक्षा का वातावरण, शिक्षार्थियों की आवश्यकता और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर है वह है डी, उपरोक्त सभी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अधिगम की प्रक्रिया किस प्रकार की हो सकती है? इसे भी आप इंपोर्टेंट मार्क कर लें कि जो अभिगम की प्रक्रिया है वो सकारात्मक और नकारात्मक दो ही प्रकार की हो सकती है। क्या होता है अधिगम, ये हमने हमारे पुराने वीडियोस में हमने आपको समझाया था। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अंतर्दृष्टि सिद्धांत, रिक्त स्थान मनोवैज्ञानिक की देन है, किसकी देन है? गेस्टाल्टवादी की, वुडवर्ड की, व्यवहारिक की, वॉटसन की? तो देखिए जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ये गेस्टाल्टवादी की है, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। देखिए जो भी हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए, इसलिए जरूर जो हम इंपॉर्टेंट बोलते हैं उसे तो आप जरूर अच्छे से याद ही कर लिया करें। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। एक बालक में व्यक्तित्व संबंधित विशेषताओं का रिक्त स्थान होता है, मतलब एक बालक में जो व्यक्तित्व की उसकी विशेषता उसका क्या होता है? रूपांतरण, स्थानांतरण, हस्तांतरण, प्रतिस्थापन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, स्थानांतरण होता है उसमें। अगला प्रश्न है अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति का होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। तो जो इसका अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है उसका, इसका सही उत्तर है सी, अवधान संबंधी बाधा या विकार। इसका सही उत्तर है सी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय रिक्त स्थान का रिक्त स्थान जरूर होना चाहिए। इसमें देखिए दो वर्ड हैं कि जब भी हम कोई विद्यार्थियों के लिए सामग्री का चयन कर रहे हैं तो क्या होना जरूरी है, और फर्स्ट दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। देखिए एक तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक में फिल करना, और एक ये तो ऑप्शन है विद्यार्थियों समावेशन, अभिभावकों समावेशन, विद्यार्थियों बहिष्कार, अन्य शिक्षकों समावेशन। तो जो इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों और समावेशन। तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद, सृजनशीलतावाद। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वह है सृजनशीलतावाद, अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता है? पूर्व संप्रयात्मक स्तर, अंतः प्रज्ञात्मक चिंतन स्तर, संवेदी गतिशील स्तर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है संवेदी गतिशील स्तर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संवेग प्रगति का हृदय है, यह कथन किसका? इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। संवेग प्रगति का हृदय है, यह कथन है मैकडूगल का,
हंटर कमीशन का, स्किनर का, क्रो एवं क्रो का? तो जिसका सही उत्तर है वह है मैक डूगल का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर करता है। तो जो इसका सही उत्तर है वह है सी, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रेरक किस प्रकार का कारक है? इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें कि प्रेरक किस प्रकार का कारक होता है। आंतरिक, बाह्य, शारीरिक एवं मानसिक कारक, उपयुक्त सभी। तो जो प्रेरक होता है यह एक आंतरिक कारक होता है। इसका सही उत्तर है ए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है या यह क्या है? मान संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भाषा विकास, उपरोक्त सभी। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह एक मानसिक विकास। इसका सही उत्तर है ए, संवेदना एक मानसिक विकास है की सीढ़ी है। आप एक शिक्षक है, आप अपनी कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने हेतु, मतलब आप एक टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स हैं जो उनको प्रेरित कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? निर्देश निर्धारित करेंगे, श्याम पट, मतलब श्याम पट का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, छात्रों की सक्रिय भागीदारी मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक्टिवली पार्टिसिपेशन है या नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है कि एक छात्र को प्रेरित करने के लिए आप उन्हें निर्देश भी देंगे, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग भी करेंगे, एग्जाम्पल भी देंगे, साथ ही साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी था। तो ये चारों ही इसके हैं, इसलिए इसका सही विकल्प होता है डी, उपरोक्त सभी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है। मतलब देखिए, जब आप समायोजन एडजस्टमेंट जिसे कहा जाता है कर रहे हैं, तो मतलब विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। मतलब आप जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी सिचुएशन है, उसके अनुसार अपने आप को ढाल सके ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको संतुष्ट करने के लिए आप ऐसा करेंगे? दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वह है डी, आवश्यकताओं को। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में इसे समझते तो आप इसको बोलते यार एडजस्टमेंट करते तो हम क्यों करते, तो हम दूसरों के लिए करते, तो आप शायद तक ए ऑप्शन टिक कर देते, तो जो आपका गलत हो जाता, इसलिए आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बालकों में कितने प्रकार के संवेग पाए जाते हैं? 9, 7, 11, 14। तो इसका सही उत्तर है डी, 14 प्रकार के पाए जाते हैं। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें आप, यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। बात करते हैं, स्थानांतरण एक सामान्यीकरण है क्योंकि यह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार है। देखिए, स्थानांतरण क्या बोल रहे हैं, एक जनरल वे है, क्योंकि बोले ये मतलब जो भी आपके विचार है उसको नए क्षेत्र की ओर विस्तार करता है, मतलब फैलाता है। तो यह परिभाषा किसने दी है? पीटरसन ने, गैरेट ने, हॉल ने, क्रो एवं क्रो ने। तो देखिए, इसका सही उत्तर है पीटरसन ने दी है यह परिभाषा। देखिए, हमने जब आपको कल हमारा जो उस पर वीडियो था, जो डिटेल में आपको पाठ्यक्रम पढ़ाया गया था हमने, या पाठ्यचर्या जो टॉपिक पढ़ा था उसमें भी हमने काफ़ी सारी डेफिनेशंस या कथन को कवर करा था, क्योंकि हमें पता है काफ़ी ज़्यादा इस तरह की पूछी जाती हैं। तो आप जरूर नोट करते जाएँ और साथ ही साथ याद करते जाएँ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुछ आवश्यकताएँ सांस्कृतिक संदर्भ में रिक्त स्थान की जाती हैं, अर्जित, वर्णित, परिवर्तित, इनमें से सभी। तो देखिए, जो हमारी कुछ सांस्कृतिक आवश्यकताएं हैं वह अर्जित की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अभिप्रेरणा व्यवहार को जागृत करने करके क्रिया के विकास का पोषण करने तथा उसकी विधियों को नियमित करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन पीटी यंग, लावेल, एवरिल, गुड। तो इसका सही उत्तर है पीटी यंग का यह कथन है कि अभिप्रेरणा व्यवहार को जागृत करके क्रिया के विकास का पोषण करने तथा उनकी विधियों को नियमित करने की प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है ए, पी टी यंग। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लेटिन भाषा से, जापानी भाषा से, फ्रेंच भाषा से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो मोटिवेशन शब्द है या अभिप्रेरणा जिसे कहा जाता है, इस शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द से हुई है। इसका सही उत्तर है ए।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसे इम्पोर्टेंट 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 मार्क कर ले। साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताना भूल रहे से रह गया था। इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर ले। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लेटिन भाषा से हुई है। अगले प्रश्न है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थ्योरीज ऑफ लर्निंग सीखने का सिद्धांत के लेखक कौन है? हिलगार्ड, थार्नडाइक, स्किनर, पियाजे। तो इसका सही उत्तर है हिलगार्ड ए। इंपॉर्टेंट मार्क कर ले इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। थ्योरीज ऑफ लर्निंग हिलगार्ड। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से प्रेरणा का अर्थ होता है आंतरिक उत्तेजनाओं से, बाह्य उत्तेजनाओं से, वातावरण से, तीनों से। तो इसका सही उत्तर है आंतरिक उत्तेजनाओं से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मनोवैज्ञानिक क्रेच और क्रच फील्ड के अनुसार प्रेरणा का प्रश्न रिक्त स्थान का प्रश्न है, क्यों, कहां, कब और कैसे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए, कि जो मनोवैज्ञानिक क्रेच एवं क्रच फील्ड के अनुसार प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। किसने कहा था मनोवैज्ञानिक के बारे में? क्रेच एवं क्रच फील्ड ने कहा था कि जो प्रेरणा है वह किसका प्रश्न है, क्यों प्रेरणा का प्रश्न, क्यों का प्रश्न। तो पूछा जा सकता है प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यह कथन किसने दिया है? तो क्रच फील्ड ने दिया है। ये भी आप नाम याद रख सकते हैं, साथ ही साथ ये कथन याद रख सकते हैं आप। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। व्यक्ति को विशेष प्रकार की क्रियाओं या व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करते हैं तथा व्यक्ति के उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं व्यक्ति को? प्रेरक, आवश्यकताएं, उत्तेजना, उपयुक्त, तीनों। तो देखिए प्रेरक, इसका सही उत्तर है ए, प्रेरक। क्या होता है जो प्रेरक व्यक्ति को विशेष प्रकार की क्रियाओं या व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करते हैं तथा व्यक्ति को उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। मतलब हम किसी को प्रेरणा दे रहे हैं ताकि वो जो भी काम कर रहा है उसमें उत्तेजित हो और अपने जो भी उद्देश्य हैं, जो उसके गोल हैं, ऑब्जेक्टिव है, उसको वो अचीव कर सके। तो इसका सही उत्तर है ये, प्रेरक। अभी भी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अभिप्रेरक वह शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए, देखिए अभिप्रेरक क्या है ये आप सभी को, अब इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यू पढ़ने के बाद आप मेरे हिसाब से इसका उत्तर देने दे सकते हैं। क्या होगा? उत्तेजित करती है, प्रेरित करती है, अभिप्रेरित करती है या ये सभी? तो इसका उत्तर क्या होगा आप बताइए। अभिप्रेरक वह शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है या प्रेरित करती है या अभिप्रेरित करती है या ये सभी? इसका उत्तर आपको खुद देना है, फिर हम इसे आप जो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हम उन्हें राइट आंसर इसका जरूर बताएंगे। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। बालकों में समस्या समाधान की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? प्रयास एवं त्रुटि विधि, वैज्ञानिक विधि, सूझ विधि और उपरोक्त सभी। इसका आंसर बालकों में समस्या, आप हम एक बार और आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। बालकों में समस्या समाधान की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? मतलब कोई बालक है उसमें कोई समस्या है या वो समाधान उसकी समझ विकसित करना है, कोई समस्या या समाधान की समझ को विकसित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? प्रयास एवं त्रुटि विधि, वैज्ञानिक विधि, सूझ विधि, उपयुक्त सभी। तो यह दो ही क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे, एक ये क्वेश्चन है नोट कर लें। और आप हमें प्लीज़ ए बी सी डी लिखने की बजाय आप ये ऐसा लिख के भेज दिया कीजिए, प्रयास एवं त्रुटि विधि, वैज्ञानिक विधि, सूझ विधि या उपरोक्त सभी। ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है हमारे लिए। इसका भी आंसर आपको ही देना है कि अभिप्रेरक वह शक्ति है जो एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है, उत्तेजित करती है, प्रेरित करती है, अभिप्रेरित करती है। ये सभी जरूर कमेंट कर लिख भेजें हमें, चाहे आपको आपका आंसर गलत हो या सही हो, आप जरूर क्वेश्चन को अटेंड करें, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चन को अटेंड करेंगे आपको समझ में आएगा, हमारा रिप्लाई जरूर आएगा आपको जो लोग भी कमेंट करेंगे। ये दो क्वेश्चन है, अभिप्रेरक वह शक्ति है जो एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए करती है, उत्तेजित, प्रेरित, अभिप्रेरित, ये सभी। अगला प्रश्न, ये भी आपके होमवर्क में नोट कर लिया होगा आपने, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो पॉज करके इसे नोट कर ले। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? देखिए बालकों को सीखने में प्रेरणा
को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालक की व्यक्तिकता का आदर, प्रशंसा एवं भत्सना, पुरस्कार एवं दंड, ये सभी। तो देखिए, जो बालकों को सीखने की प्रेरणा में जो उपयोगी माना जाता है वो माना जाता है प्रशंसा एवं भत्सना को। मतलब कोई बालक अच्छे से सीख रहा तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और अगर कोई अच्छे से नहीं सीख रहा तो उसे हमें एक बार कहीं ना कहीं डांट लगाना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज करता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो जो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है वह नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। मतलब जो भी नए स्टूडेंट है या नए लोग हैं, जब उन्हें कुछ चीज़ सिखाई जाती है तो उसमें जो एक रुचि लाना हो उसको ये क्रिएट करता है, रुचि का सृजन करता है। तो इसका जो डी उत्तर है, मतलब ये इसका क्वेश्चन का मतलब यह है कि भाई आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो वहाँ पर अभिप्रेरणा किस तरह से आपको मदद करती है। तो देखिए, जब भी जो अभिप्रेरणा होती है वो आप में ना सीखने की इच्छा या रुचि को जागृत करती है। तो इसका सही उत्तर है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बच्चे की जिज्ञासा शांत करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और अब उसको कुछ क्वेश्चन है या उसकी कोई जिज्ञासा है, तो हमको कब एक शिक्षक को शांत करना चाहिए? ऑप्शन है, आप सभी इस आंसर को मेरे हिसाब से जानते होंगे, जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, या डी ऑप्शन है, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की जाए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की जाए। देखिए, अभी भी जिन्होंने हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया वो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि जब भी आप कुछ लाइक करते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि कौन से वीडियोस स्टूडेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए, देखा आपने अभी हमारा, हमने ये एक वीडियो डाला था पेडोगोजी पे, ही फर्स्ट हमारा वीडियो था, इस पर हमारे हाईएस्ट लाइक है 192। तो हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पेडोगोजी में ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही है, और जब हमने भी उस सब्जेक्ट को देखा तो हमें लगा कि इसमें काफ़ी कुछ समझाने का है, काफ़ी कुछ इसमें कॉन्सेप्ट हैं, काफ़ी कुछ समझाने का है, जिसको एक सरल भाषा में अगर समझा दिया जाए तो बच्चे बड़ी आसानी से इसको हल कर लेंगे। तभी हम पेडोगॉजी पे बना रहे हैं, साथ ही साथ हम दूसरे सब्जेक्ट पे भी वीडियोस बनाएंगे। आप किस सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहते हैं ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, हम जल्द से जल्द उन पर भी वीडियोज़ बनाएंगे, और कॉमर्स पर भी हमारे वीडियोज़ आएंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बच्चों में नैतिकता की स्थापना करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। देखिए, बच्चों में नैतिकता में की स्थापना करना है, मतलब आपको उनमें एक एथिक्स डेवलप करना है, तो आप उनके लिए कौन सा बेस्ट विकल्प बनाएं? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना चाहिए, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना चाहिए, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना चाहिए। तो देखिए, अगर बच्चों में आप नैतिकता के लिए सर्वोत्तम मार्ग, तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, मतलब टीचर ऐसे हों कि वो रोल मॉडल्स हो बच्चों के, तो बच्चों में अपने आप ही नैतिकता का डेवलपमेंट होगा, उनमें एथिक्स डेवलप होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? क्या प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, और डी है सवालीनता। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी, सवालीनता। अब बात है अगले प्रश्न पे आते हैं हम। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों के ज्ञान अर्जन का मुख्य तरीका होता है, मतलब जब भी आप कुछ बच्चे को एक लर्निंग की प्रोसीजर हो, जब या एक लर्निंग की प्रोसेस हो, तो उसमें आप बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, या मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे चीज़ें सीख सके, तो उसका सबसे अच्छा या मुख्य तरीका क्या होगा? उन्हें करके सिखाना, अनुभव द्वारा अधिगम, मतलब जो आपका एक्सपीरियंस हो आप उसके बेसिस पे सिखा रहे हो, साथ ही साथ आप उनको करके सिखा रहे हो, अनुकरण द्वारा अधिगम, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो जो इसका सही विकल्प है वह है ये सभी। देखिए, आप करके भी सिखाइए, अपने एक्सपीरियंस भी बताइए, अनुकरण द्वारा भी अधिगम हो, तो इसका सही उत्तर है ये सभी, डी इसका आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? यहाँ लिखा है शिक्षक, इसे करेक्ट करना है, शिक्षक लिखा है, सीखने वाला, स्कूल, दोनों आ और बात। सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो सीखने वाला होना चाहिए, मतलब कोई भी स्टूडेंट, विद्यार्थी या कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो सकता है सीखने वाला, और साथ ही साथ शिक्षक का होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सीखने के ये दो महत्वपूर्ण घटक हैं, तो इसका सही उत्तर है डी, आ और बा।
देखिए अभी भी जिन्होंने हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करें, लाइक से हमें पता चलता है कि कौन से वीडियोस की स्टूडेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपके जो भी वीडियोज़ हों हम डालें आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाए। और ये सब्सक्राइब जो होता है ये पूरी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, मतलब आप जो दंड दे रहे हैं वो कैसा पॉजिटिव है। तो उसका एग्जांपल है मित्रों के द्वारा उपहास, मतलब आपके जो दोस्त लोग हैं वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं या वो आपकी को हंसी का पात्र बना रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, सी ए अ और ब दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सकारात्मक दंड है उसका सही उत्तर है मित्रों के द्वारा उपहास। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रेरक किस प्रकार का कारक है, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लें कि प्रेरक क्या है। तो आंतरिक होता है, बाह्य होता है, शारीरिक होता है। तो देखिए प्रेरक हो ये जो होता है यह आंतरिक होता है, इसका सही उत्तर है ए। अभी भी जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग विजय एकेडमी।